जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता एमटीटीवी इंडिया। आखिरकार राजस्थान की गहलोत सरकार नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने को तैयार हो गई है। करीब 5 माह तक मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। चली ना नुकर के बाद गहलोत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने का निर्णय लिया है और संभवतः अगले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा तय जुर्माना राशि में राज्य सरकार ने संशोधन करने का निर्णय भी लिया है। जुर्माना राशि केंद्र सरकार के मुकाबले आधी की गई है। नए एक्ट में संशोधन के बाद परिवहन विभाग ने विधि और वित्त विभाग की अनुशंसा ले ली है और अब अगले सप्ताह तक इसे जारी कर दिया जाएगा। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के मुताबिक राज्य सरकार जुर्माना राशि कम करके मोटर व्हीकल एक्ट लागू करेगी। देश के जो वर्तमान हालात हैं उनमें केंद्र द्वारा तय की गई राशि देने में लोग असमर्थ हैं, इसे राज्य सरकार ने कम किया है। सबसे कम जुर्माना लगाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। सामान्य अपराध करने पर केंद्र सरकार ने 500 से 1500 रुपए तक का जुर्माना तय किया था, लेकिन राज्य सरकार ने 200 से 500 रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया है। इसी के तहत बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर केंद्र ने 10,000 और 3 माह तक लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने दुपहिया वाहनों पर 500 और बाहरी वाहनों पर 2,000 रुपये का जुर्माना तय किया है। वहीं बिना हेलमेट चलाने पर केंद्र ने 1,000 रुपये का जुर्माना एवं 3 माह तक लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान किया था, लेकिन राज्य सरकार ने केवल 1,000 रुपये का जुर्माना करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही तेज गति से कार चलाने पर केंद्र ने 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना तय किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें संशोधन कर 1,000 रुपये का जुर्माना करने का प्रावधान किया है। मोबाइल पर बात करने पर करते हुए वाहन चलाने पर केंद्र सरकार ने 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना तय किया था और प्रावधान दिया था, जबकि राज्य सरकार ने 1,000 रुपये का ही जुर्माना फिक्स किया है। वहीं बिना फिटनेस के वाहन चलाने पर केंद्र ने 2,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना तय किया था, तो अब राज्य सरकार 2,000 रुपये तक का ही जुर्माना लगाएगी। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर केंद्र द्वारा तय की गई जुर्माना राशि 1,000 एवं बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 के स्थान पर राज्य सरकार 500 और 2,000 रुपये करना चाहती थी, लेकिन विधि विभाग की राय के बाद इसे टाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा तय अधिकांश प्रावधानों में राज्य सरकार ने जुर्माना राशि कम की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने करीब 5 माह पूर्व 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया था, इसे संसद में पारित भी किया गया था। गहलोत सरकार इस एक्ट को प्रदेश में लागू नहीं करना चाहती थी। जुर्माना राशि अधिक होने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने कई बार केंद्र को घेरा था, लेकिन आखिरकार इसे लागू करने का निर्णय करना पड़ा। काफी विचार विमर्श के बाद राज्य के विधि विभाग एवं वरिष्ठ वकीलों ने सरकार को सलाह दी थी कि संसद में पारित एक्ट का राज्य सरकार को लागू करना ही होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो एमटीटीवी इंडिया के पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंह के साथ मैं ललित खत्री।